जाता है हमसे, क्या चाहते हो भाई हमें, मतलब एक एक करके लेने का क्या सेंस चलता है, हमको सबको साथ में ले लो, एक साथ ले जाओ ना, एक साथ सब लोग एक साथ चले जाएंगे, बढ़िया रहेगा, किसी को कोई दुख नहीं लेना पड़ेगा, इतना सब कुछ मतलब करके तुम भगवान एक साथ ले लोगे ना, तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि हमें एक दूसरे के लिए हमें क्यों छोड़ दिया, हम क्या करेंगे अब, हम क्या कैसे जी, मतलब ले लो ना, सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, अब क्या बचा है। पता है लास्ट डे था ना उस दिन, इतना गंदा सा मौसम हो रहा था, मतलब घर में तो नॉर्मल से ही चल रहा था चीज़, तो बहुत गंदा सा मौसम हो रहा था, इतना काले बादल हो रखे थे पूरे में, बारिश आ रही, गंदा आंधी वगैरह सब हो रहा। और पता है डैडी के ओके के ट्रेनर आते थे, वो वहीं पे आते थे, वो आए थे, वो गए थे 7-7 बजे चले गए थे वो वापस। तो भैया ना, भैया जा रहे थे, घर से जा रहे थे, भैया घूमने थोड़ा सा, उनको मतलब होता है घर वहां पर किसी की गांव में कुछ शादी वगैरह भी, तो उसमें गए थे बैठने के लिए, कि मम्मी 200 ने बुलाया मैं जा रहा हूँ वहां पे, वहां पे गए थे वो। और जैसे वो गए ना घर से, तब भी वहां पे तार टूट गए थे बुरी तरह से, तो मैं कॉल करके बोलती हूँ उनको, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनकी, मैं बोलती हूँ कॉल करके कि भैया देख के आना वहां पे तार टूट गए, ठीक है, अच्छे वहां पे दूसरे रास्ते से आना, वहां पे कुछ वरना आपको अपनी लगभग ना जाए, क्योंकि वहां पानी भी हो रखा है, बारिश भी हो रही है, तो फिर आप देख के आना। बताओ आराम से लेटना, अभी अब मैं तो इधर हूँ। चाचा जी क्या है? चाचा जी हैं, अरे जो शादी है ना वो बाहर बैठे हैं सब, इधर आए मैं तो उधर से आऊंगा, पीछे से मेरे सामने ही टूटे थे, हाँ पीछे से ही आऊंगा मैं तो घूम के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर ओगी पीछे पीछे भाग जाता है, ओगी पता नहीं, गेट वैसे हमेशा बंद रखते थे हम नीचे का, भैया खोल गए होंगे, तो ओगी भी भाग जाता है पीछे भैया के, कि भैया को रोकने पता नहीं क्या ही हो रहा था उस दिन, पर जो भी हो रहा था ना बहुत अजीब हो रहा था, बहुत अजीब सच में। हाँ 2-3 बार कॉल करते है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे में पूरी लाइफ बदल गई, मैं पर उनकी हर एक कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, मैं बारिश हो रही है, गंदा सा मौसम हो रहा है, उसमें कहाँ घूम रहा है तू, घर वापस आ, मम्मी उसको भैया कहते थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर ना वो थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या है, कहाँ क्यों गए थे वो वहाँ, बट उनके दोस्त थे वो साथ, लोगों के साथ ना घूमने गए थे वहां पे ना, हमारे गांव के साइड में नहर चलती है, तो उसको हम बम्बा कहते हैं, नहर नहीं बम्बा है, वहां पे गए थे वहां पे उनके दोस्तों के साथ पानी टिक्की खाने, ठीक है, वहां पे ना वो लोगों ने खा ली, मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने खा ली, उसके बाद ना वो आगे चले, आगे चले, आगे चल गए, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, हमको फोन, पापा को फोन करके बताते हैं, पापा फोन करके बोलते कि मोनू कहाँ है, मैं कहती हूँ हम लोग घर ऊपर ही दो कमरे में, मैं कहती हूँ मम्मी से मोनू भैया, पापा से कि मोनू भैया तो वो भैया के यहाँ गया घूमने गए थोड़ी देर, उन्होंने कहा है घूमने गए, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, फोन कट कर दिया, फिर नीचे से आवाज आती है, साइड वाले अंकल पूछते हैं कि मोनू कहाँ है, मैं कहती हूँ मोनू भैया तो वहां गए घूमने के लिए थोड़ी देर, फिर मम्मी को टेंशन होती है, फिर जो उनके घर गए थे ना उनकी वाइफ आती है वो रोते हुए आती है, वो कहती है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो खून निकल रहा बहुत सारा, पता है मम्मी से बात कराती हूँ, मम्मी को पापा बताते कि किसी का नहीं हुआ, मोनू का हो गया, मम्मी जाती है, मेरे को लगता है कि पापा ने गलत सुन लिया, मम्मी ना चली जाती कार में, घर पे मैं होगी और डैडी थे, मैंने उनको ऊपर बंद कर दिया कि वो बाहर चाहिए कहीं चले ना जाए ऊपर, तो मैं नीचे बैठी थी गेट पे, और एक अम्मा थी मेरे साथ, उनका भी बेटा आता है, वो भी बताता है कि वो कहते कहीं नहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं फिर कहती हूँ, फिर एक अंकल आते भाई यार उनको पास तो आ जाए, उनको पास नहीं आने दी, मैंने बोला, मैंने चढ़ाया उनको कि हटो तुम लोग दूर, मैं कह रहा हूँ वो चीजें फिर फेस करनी होगी, अब सब खत्म कर दिया कैसे रहेंगे।
की हालत बहुत खराब, पापा शिवपुरी थे वहाँ पे आए, पापा इतनी हालत खराब, पापा की पापा को बीपी लो हो रहा है बिल्कुल, उनका दिक्कत हो रही, भाभी वहाँ पे बेहोश है, पूरी रात भर बेहोश रही वहाँ पे, मम्मी वहाँ पे पूरी रात चल रही है, वो आवाज़ें अभी भी पता है, मैं सोती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मैं सोती हूँ ना, वो आवाज़ें मेरे कानों में अभी भी आती है, मम्मी की वो आवाज़ जितनी भी बैठी थी सबके, मेरी भाभी की तो लाइफ खराब हुई हुई, चलो ठीक है, मेरे आलू का क्या था यार, उनको मैं उनको किसी के बीच देखता हूँ ना, एक घर पे ऐसे ही हुआ था, एक कोई आया था, वो ना लेडी अपने बच्चे को, छोटा ही बच्चा था, उसको अपने पापा से बात करा रही, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ इसमें, मैं नहीं रोती हूँ, मैंने उनको देखा ना, सोचा मेरे भाभी को भी बहुत शौक है ऐसी कॉल करने का, जब भी कुछ भी करती है ना वो, तो वो सीधा भैया को कॉल करके दिखाती थी, देखो मैंने आरू को ये पहनाया है, आरू को ये करा है, मैं कहता अब कोई नहीं बात कर पाएगा उनसे, कौन ऐसा प्यार करेगा उनको, चलो हम करेंगे ठीक है, हमारी अलग है, पापा का थोड़ी हम उसको वो कर पाएंगे, वो तो प्यार से कर रहे थे ना भैया, वो जो अपने बच्चे से मुझे आलू और आलू के लिए सच में एक तरह से जितना भी कंट्रोल करो, पता है पूरा दिन तुम कितना कंट्रोल करो, एंड में तुम फूट ही जाते हो, एंड में तुम फूटते नहीं रुकता, पर मेरे भाभी को पता चल गया था, उसके बाद वो भी बहुत रोई मेरे साथ,